हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाना खीर। मखाना बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, आप इसे नवरात्रों के व्रत में बना सकते हैं। ये खीर बड़ी ही आसानी से और जल्द बन जाती है और साथ ही साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट भी बनती है। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मखाना खीर बनाने के लिए पहले मखाने भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में एक चम्मच घी लिया है और इसमें डाले हैं एक कप मखाने। गैस ऑन करके फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मखाने को लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। मखाना भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। ये एक मखाना उठाया मैंने और ये अच्छे से टूट रहे हैं, मतलब कि ये सिक चुके हैं। सारे मखाने अच्छे से सिक चुके हैं। मखानों को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद इसे पीस लेंगे। मखानों को हमने दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। इसे अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम दूध को उबालने रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 कप दूध लिया है। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आते ही गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और लगातार चलाते हुए दूध की आधी क्वांटिटी होने तक पकाएंगे। दूध को पकाते हुए हमें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई के किनारों पर जमी मलाई को ऐसे लगातार स्क्रैच करके मिक्स करते रहे दूध में, ताकि दूध जल्दी गाढ़ा हो जाए। हमने कढ़ाई में जितना दूध लिया था उससे आधी क्वांटिटी में अब दूध रह गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बादाम कटे हुए और पिसे हुए मखाने डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे और अब सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर 1/3 कप से थोड़ा कम चीनी डाली हूँ। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। चीनी को मिक्स कर लेंगे और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है, क्योंकि हम इसे अब ठंडा करने रखेंगे तो खीर और गाढ़ी होगी। खीर पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। इसे अब सर्व कर लेते हैं। मखाना खीर बनके बिल्कुल तैयार है। इसे आप नवरात्रों के व्रत में बनाएं, बहुत ही आसानी से और जल्द बन जाते हैं। मैंने थोड़े से मखाने बचा के रखे थे खीर को गार्निश करने के लिए, वो डाल देंगे और कटे हुए बादाम। तो आप भी इस आसान सी और जल्द बनने वाली व्रत की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस मिलें।